हेलो गाइस, मैं सुनैन और आप देखो टेक्नोस्ट यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि कैसे आप जो है अपना जो मोबाइल का स्टोरेज है वहाँ से फोटो या जो वीडियो है उसको सिलेक्ट करके अपना जो इमेज व्यू या जो आपका वीडियो व्यू है वहाँ पे सेट कर पाओगे। तो मतलब बहुत ही आसान सा चीज़ है, आप लोगों को मतलब थोड़ा सा ही कोड लिखना पड़ेगा। तो चलो हम लोग पहले जो है XML पे थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं, मतलब एक इमेज व्यू और जो है हम लोग ले लेंगे एक वीडियो व्यू। उसके साथ दो बटन ले लेंगे, एक है इमेज सिलेक्ट करने के लिए, एक है वीडियो सिलेक्ट करने के लिए। तो पहले हम लोग जो है यहाँ पर कोड मतलब XML कोड खोल लेंगे। यहाँ पर जो टेक्स्ट व्यू रहता है हेलो वर्ल्ड का उसको हटा लेंगे और यहाँ पर जो हम लोग कोड शुरू कर देंगे। मतलब यहाँ पर जो हम लोग एक इमेज व्यू लेंगे और यहाँ पर इमेज व्यू का जो है हम लोग विड्थ को मैच पेरेंट कर देते हैं और जो हाइट है उसको कुछ 300 dpi कर देते हैं। और गाइस यहाँ पर जो है इसको जो है चारों तरफ से कॉन्स्टेंट कर देते हैं। रुक जाओ गाइस, यहाँ पर हम लोग कर देते हैं इसको, तो यहाँ पर हम लोग जो है इसको कर देते हैं स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट और एंड टू एंड ऑफ, इसको भी कर देते हैं पेरेंट। और जो है हम लोग टॉप टू टॉप ऑफ इसको भी कर देंगे पेरेंट। और यहाँ पर जो है ये तो हो चुका है इमेज व्यू, और इसका जो है कुछ आईडी गाइस दे देते हैं। तो इसका आईडी हम लोग इमेज व्यू ही कर देते हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पर जो है हम लोग इसका आईडी जो है इमेज व्यू कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने इमेज व्यू ले लिया है और इसके नीचे हम लोग कर देंगे एक वीडियो व्यू। तो यहाँ पर जो हम लोग वीडियो व्यू सर्च करके ये मिल के हम लोग वीडियो व्यू विड्थ को मैच पेरेंट कर देंगे और जो हाइट है उसको कर देंगे रैप कंटेंट और इसको ले लेंगे हमारा जो इमेज व्यू है उसके नीचे। तो पहले हम लोग जो है ये जो दो कोड है स्टार्ट और एंड इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और इससे कॉन्स्टेंट कर देंगे। और उसके बाद जो है हम लोग ले लेंगे टॉप टू बटम ऑफ, तो यहाँ पर जो है टॉप टू बटम ऑफ और यहाँ पर जो है आईडी क्या देंगे इमेज व्यू। तो गाइस यहाँ पर आ चुका है इमेज व्यू और इसके नीचे अभी आ जाएगा। और इसका जो है हाइट जो है हम लोग सेट कर देते हैं, इसका हाइट भी जो है हम लोग 300 dpi ही कर देते हैं। और जो है यहाँ पर इसका आईडी दे देते हैं और इसका आईडी हम लोग वीडियो व्यू ही कर देते हैं, वीडियो व्यू। ओके, और यहाँ पर जो है यहाँ पर एक मतलब हम लोग मार्जिन दे देते हैं, थोड़ा सा मार्जिन रहना चाहिए तो अच्छा लगेगा। मार्जिन टॉप, तो मार्जिन टॉप हम लोग कर देते हैं 10 dpi। ओके गाइस, ये रहा इमेज व्यू, ये रहा वीडियो व्यू। और यहाँ पर दो बटन लेंगे, एक वीडियो के लिए मतलब वीडियो को सिलेक्ट करने के लिए मेमोरी से और एक है इमेज को सिलेक्ट करने के लिए मेमोरी से। तो पहले हम लोग यहाँ पर बटन ले लेंगे, तो यहाँ पर जो बटन है इसका जो है वही दोनों रैप कंटेंट करके इसको भी सेम हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट कर देंगे। और यहाँ पे बटम टू बटम को भी कर देंगे पेरेंट। और क्या करेंगे, और जो है यहाँ पर इसका जो टेक्स्ट दे देंगे, टेक्स्ट देंगे इसको इमेज दे देते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे से मार्जिन कर देते हैं, मार्जिन मार्जिन बटम 10 dpi। ओके, और मार्जिन लेफ्ट कर देते हैं 60 dpi। ओके, ऐसे करके ये जो इसका आईडी क्या देंगे, आईडी देंगे सिलेक्ट सिलेक्ट इमेज। और इसको जो है हम लोग पूरा कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर इसको कर देंगे पेस्ट और यहाँ पर कर देंगे सिलेक्ट वीडियो। और यहाँ पर जो हम लोगों ने स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ किया था इसको कर देंगे एंड टू एंड ऑफ। ओके, एंड एंड टू एंड ऑफ कहाँ गया, ये रहा एंड टू एंड ऑफ, तो यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर मार्जिन राइट कर देंगे, तो यहाँ पर हो चुका है हम लोगों का काम ख़त्म। तो यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पर और एक काम कर देते हैं, यहाँ पर जो टेक्स्ट है इसको हम लोग वीडियो कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर टेक्स्ट को भी हम लोगों ने वीडियो कर दिया है। तो यहाँ पर जो हम लोग का काम ख़त्म हो चुका है XML फाइल में, अभी हम लोग जो बाइंडिंग का यूज करेंगे अपना जो कोडलिन फाइल है वहाँ पर मैनिपुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर जो हम लोग गेडल स्क्रिप्ट पर आ जाएंगे और यहाँ पर जो तो यहाँ पर जो है बिल्ड गेडल पे आने के बाद हम लोग जो है एंड्रॉयड के अंदर अपना जो डाटा बाइंडिंग है उसको ऐड कर लेंगे। इसके लिए आप लोगों को टाइप करना है बिल्ड बिल्ड फीचर और इसके अंदर जो है आप लोगों को ले लेना है डाटा बाइंडिंग ट्रू। ओके, और उसके बाद जो है आप लोगों को सिंक कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगा सिंक होने में, तो फटाफट हम लोग का सिंक हो चुका है सक्सेसफुली, मतलब हम लोग का जो डाटा बाइंडिंग है वो हो चुका है ऐड। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग ऊपर में आएंगे और यहाँ पर जो है क्लिक करने के बाद जो बल्ब है इस पर टाइप करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन आ गया कॉन्वर्ट टू डाटा बाइंडिंग लेआउट, इसको क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग का डाटा बाइंडिंग जो है इधर एक्टिवेट हो चुका है। अभी क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं और मेन एक्टिविटी के आने के बाद यहाँ पर हम लोग इनिशियलाइज कर देते हैं लेट इन वार बाइंडिंग। और यहाँ पर एक्टिविटी मेन बाइंडिंग आ चुका है, देख सकते हो गाइस। तो उसके बाद हम लोगों को ये जो बाइंडिंग है इसको इनिशियलाइज कर देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, बाइंडिंग इक्वल टू, तो यहाँ पर हम लोगों को जो है डाटा डाटा तो यहाँ पर डाटा बाइंडिंग यूटिल नाम का एक आप लोगों को ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है लिख लेते हैं डाटा बाइंडिंग
यूटिल, और यहाँ पर इसको जो है हम लोग इम्पोर्ट कर लेंगे डॉट। यहाँ पर जो है हम लोग को सिलेक्ट करना है सेट कंटेंट व्यू, और पहले हम लोग को कॉन्टेक्स्ट पास करना है जो होने वाला है दिस, और सेकंड हम लोग को लेआउट पास करना है तो आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी में। तो यहाँ पर जो बाइंडिंग का काम खत्म हो चुका है, अब भी हम लोग डायरेक्टली कॉल कर पाएंगे जितने भी कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर उतने सब कंपोनेंट्स को। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले जो है हम लोगों को जो दो बटन है वो दो बटन में क्लिक करने से क्या होता है कि आप लोगों का जो है फ़ोन का फोटो या जो आपका वीडियो है वो एक्सेस हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पर करेंगे बाइंडिंग डॉट, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था सिलेक्ट इमेज डॉट, और यहाँ पर जो है सेट ऑन क्लिक लिस्ट ले लेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इंटेंट के थ्रू जो है सब काम करेंगे। तो यहाँ पर वाल और यहाँ पर इंटेंट कर लेंगे, इंटेंट इक्वल टू इंटेंट, और उसके बाद जो है गाइस इंटेंट को यहाँ पर जो है हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, और इंटेंट डॉट एक्शन। अभी एक एक्शन परफॉर्म करना है, कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा, इंटेंट डॉट, और यहाँ पर जो है हम लोग का एक्शन गेट कंटेंट, हम लोग को कंटेंट चाहिए तो डॉट एक्शन गेट कंटेंट को हम लोग कॉल कर लेंगे, और उसके बाद जो है कौन से टाइप का चाहिए तो इंटेंट डॉट हम लोग टाइप करेंगे, तो टाइप कौन सा होगा, तो ये इमेज है तो हम लोग ये यहाँ पर जो टाइप है उसको इमेज कर लेंगे, तो इमेज स्लैश स्टार। ओके, तो जितने भी इमेज है वो आप लोगों को शो हो जाएगा, और नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है स्टार्ट एक्टिविटी रिजल्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्टार्ट एक्टिविटी रिजल्ट जो है हम लोग को रहता है स्टार्ट एक्टिविटी रिजल्ट, तो यहाँ पर जो हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट आ चुका ऑप्शन। तो यहाँ पर क्या क्या पास होगा, पहले जो है पास होगा हम लोग का इंटेंट, तो ऐसे हम लोग इंटेंट को पास कर देंगे, और दूसरा हम लोगों का पास होगा जो है रिक्वेस्ट कोड। अब जो रिक्वेस्ट कोड होता है ये क्या होता है, ये एक यूनिक कोड होना चाहिए आप लोगों का, जो कोड जो है रिक्वेस्ट करने में हेल्प करेगा, मतलब आप वीडियो को सिलेक्ट करना चाहते हो या फोटो को सिलेक्ट करना चाहते हो तो इसके लिए जो है ये काम में आता है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ भी दे देंगे, मतलब 100 दे देंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग 100 दे दिए, ऐसे ही करके इसको हम लोग जो है कॉपी करेंगे और इसको जो है पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो सिलेक्ट इमेज है इसके बदले हम लोग सिलेक्ट वीडियो कर देते हैं, और यहाँ पर जो टाइप है हम लोगों का टाइप क्या है, वीडियो का टाइप है, तो यहाँ पर हम लोग वीडियो ले लेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे जो स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट है यहाँ पर जो रिक्वेस्ट कोड है इसको बदल देंगे। रिक्वेस्ट कोड सेम नहीं होना चाहिए, हर टाइम अलग होना चाहिए, मतलब वीडियो के लिए अलग है इमेज के लिए अलग होना चाहिए। ओके, तो ये ध्यान में रखना है आप लोगों को, नहीं तो एप्लीकेशन जो है क्रैश कर सकता है। तो गाइस यहाँ पर जो है, गाइस यहाँ पर जो आप लोग एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं जिसका नाम है ऑन एक्टिविटी रिजल्ट। ओके, तो यहाँ पर जो है हम लोग फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, मतलब ये ओवरराइड फंक्शन है, तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, तो यहाँ पर आ चुका ऑप्शन। तो इसके बाद गाइस यहाँ पर पहले हम लोग जो है अपना जो रिक्वेस्ट कोड है उसको जो है इफ़ एल्स के फॉर्म में ले लेंगे। तो इफ़ अगर अगर आप लोग का रिक्वेस्ट कोड, मतलब ये जो रिक्वेस्ट कोड है इक्वल टू 100 हुआ, मतलब अभी हम लोग इमेज वाले रिक्वेस्ट कोड में आ चुके हैं। ठीक है, तो इमेज वाले रिक्वेस्ट कोड में हम लोग आ चुके हैं, तो इसको मिनिमाइज करते हैं, और यहाँ पर जो है क्या करेंगे हम लोग जो है पहले चेक करेंगे कि आपने सही में कोई फ़ोटो सिलेक्ट किया है कि नहीं, मतलब आप लोग ऐसा भी हो सकता है कि कोई फ़ोटो सिलेक्ट नहीं कर किए होंगे, मतलब आपका जब फ़ोन का मेमोरी पे जाएगा इंटेंट के थ्रू में तो आप ऐसे में कोई फोटो सिलेक्ट भी नहीं कर सकते हो। पहले हम लोग चेक करेंगे कि आप लोग सही में फ़ोटो सिलेक्ट किए हो कि नहीं, तो अभी ये जो है नॉट नल होगा तो ही परफॉर्म होगा नेक्स्ट वाला स्टेप। तो क्या है परफॉर्म होगा, तो यहाँ पर जो है इमेज क्या लेगा, इमेज जो है डाटा के थ्रू यू आर आई लेगा, तो ये यू आर आई क्या होता है, जो यू आर आई है इसके थ्रू में हम लोग जो है इमेज को सेट कर पाएंगे इमेज व्यू पे। तो ओके गाइस, तो कैसे सेट करेंगे, तो पहले हम लोग इनिशियलाइज कर देते हैं वाल यू आर आई, और इसका टाइप क्या होगा यू आर आई, और इक्वल टू क्या करेंगे इक्वल टू डाटा डॉट डेटा। ओके, और यहाँ पर जो है आप लोग को नॉट नलेबल का जो है एनोटेशन देना है। ओके, उसके बाद गाइस क्या करेंगे, ये जो यू आर आई हम लोगों ने क्रिएट किया है उसको जो है हम लोग अपना जो बाइंडिंग के थ्रू सेट कर देंगे इमेज व्यू में। ओके, सिंपली एकदम बहुत सिंपल है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बाइंडिंग डॉट अपना जो इमेज व्यू है डॉट, यहाँ पर सेट इमेज यू आर आई आ रहा है, तो यहाँ इसके अंदर हम लोग क्या पास कर देंगे यू आर आई पास कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर इफ के बाद अगर एल्स पे हम लोग क्या है एक टोस्ट शो करवा देंगे, क्या टोस्ट शो करवा देंगे कि आपने कोई इमेज सिलेक्ट नहीं किया है, तो यहाँ पर जो है टोस्ट के अंदर आप लोग को दिस पास कर देना है, और यहाँ पर टेक्स्ट क्या होगा कि यू डोंट सिलेक्ट एनी इमेज। ओके, ये हो चुका है हम लोग का जो रिक्वेस्ट कोड है 100 उसके अंदर, और अभी जो है हम लोग जो है क्या करेंगे, अभी हम लोग जो है अपना जो वीडियो है उसको सेट करेंगे। यहाँ पर जो इमेज इमेज जो है परफेक्टली सेट हो चुका है, और अभी हम लोग वीडियो को सिलेक्ट कर लेंगे, तो इसके लिए हम लोग जो है सिंपली क्या करेंगे इसको जो है फिर से कॉपी कर लेंगे, तो यहाँ पर इसको हम लोग कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। अभी क्या होगा, रिक्वेस्ट कोड क्या लिया था हम लोगों ने 200, 200 ले लेंगे, तो यहाँ पर जो पूरा सेम रहेगा, यहाँ पर जो आप लोगों को क्या करना है बाइंडिंग डॉट वीडियो व्यू डॉट, और यहाँ पर आप लोग को सेट वीडियो यू आर आई लेना है, और इसके अंदर जो है आपका यू आर आई पास कर देना है।
और यहाँ पर जो है इमेज के बदले हम लोग वीडियो टाइप कर देते हैं। अभी जो है थोड़ा सा काम वीडियो में ज़्यादा हो जाता है कि जब आप लोग का जो वीडियो है वो सिलेक्ट तो हो जाएगा, उसके बाद उस वीडियो को मतलब जो है प्ले भी करना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो है मेन एक्टिविटी में आ जाएंगे और उसके बाद जो ऑन क्रिएट मेथड है उसके अंदर भी आ जाएंगे और उसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे हम लोग ये करेंगे कि बाइंडिंग डॉट वीडियो व्यू डॉट ऑन। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है, आप लोगों को कौन सा सिलेक्ट करना है, आप लोगों को सिलेक्ट करना है ऑन प्रिपेयर, ठीक है। अगर प्रिपेयर हो गया तो क्या होगा, आपका जो है मीडिया प्लेयर ईट है ना, तो यहाँ पर आप लोग क्या कर दोगे, ईट डॉट स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा सीन है आप ही, मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक ऐप है, बस आप लोगों को मैं इस ऐप के अंदर दिखाना चाहता था कि कैसे आप लोग जो है फ़ोन के मेमोरी से इमेज और वीडियो सिलेक्ट करना कर पाते हो। तो चलो हम लोग इसको पहले रन करते हैं और देखते हैं सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने अपने डिवाइस को कनेक्ट कर लिया, अभी हम लोग रन करेंगे, थोड़ा सा गेटेड भी होने के लिए टाइम भी देंगे। तो अभी जो बेसिक ऐप है तो गेटेड भी होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब बस 30 सेकेंड या 1 मिनट ही लगेगा। तो चलो हम लोग देखते हैं कब तक जो है गेटेड भी हम लोग का कम्प्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर जो है गेटेड बिल्ड कंप्लीट हो चुका है, अपना जो मोबाइल फ़ोन है उसके अंदर जो इंस्टॉल का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर हम लोग इंस्टॉल दबाएंगे और देखेंगे कि जो एप्लीकेशन है वो सही से रन कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर लॉन्च एक्टिविटी भी हो चुका है और जो सक्सेसफुली हम लोगों का जो इंटरफेस है वो आ चुका है। तो पहले हम लोग इमेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जितने भी इमेज का ऑप्शन है वो आ चुका है। तो गाइस यहाँ से हम लोग जो एक इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि ये थंबनेल है, तो इसको गाइस मैंने सिलेक्ट कर लिया है। तो गाइस देख सकते हो ये जो इमेज है ये सक्सेसफुली शो हो रहा है। अभी जो है वीडियो का बारी है, तो गाइस यहाँ पर हम लोग वीडियो क्लिक करेंगे और जितने भी वीडियो से वहाँ पर शो होना स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर जो हम लोग एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो हम लोगों ने एक वीडियो को सिलेक्ट कर लिया है और जो वीडियो है सक्सेसफुली जो है यहाँ पर आप लोग को शो हो रहा है वीडियो व्यू के अंदर। तो गाइस यहाँ पर हम लोग साउंड को भी थोड़ा सा इंक्रीज करके आप लोगों को दिखा देते हैं जो साउंड है वो भी सही से सुनाई दे रहा है। ओके गाइस, तो अभी जो कॉपीराइट इशू के लिए हम लोग साउंड को लो कर देते हैं। ओके, तो मतलब एक तो हम लोग का सक्सेसफुली जो है वीडियो और इमेज हम लोग सेट कर पा रहे हैं हमारे जो इंटरनल स्टोरेज से, तो मतलब आप मेरा जो एप्लीकेशन है वो सही से काम कर रहा है। तो गाइज आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आप लोग को वीडियो। तो अगर आप लोग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में।